सब गोवा वाले कपड़े ले लिए हैं और ये कैसा लग रहा है ड्रेस बताना जरा कमेंट करके। ओ बाप रे, ये देखो यहाँ पे क्या हाल हो रखा है, इतना शोर है यहाँ पे, इतना शोर है, सारे के सारे बीच के पास जो है बैठने की जगह है, रेस्टोरेंट ही रेस्टोरेंट। आप देख रहे हो पूरा एरिया, ये वाला पूरा बागा बीच कवर्ड है और शोर इतना हो रहा है अल्टीमेट लेवल पे। दोस्तों और आज मैं हूँ गोवा, कल रात में गया था बीच पे और बीच पे तो बहुत ज्यादा बुरा हाल है, वहां पे तो इतने डीजे आवाज ही नहीं आ रही थी, मतलब एक के बगल में एक जो वहाँ पे रेस्टोरेंट और बार होते हैं वहाँ पे थे और सबका जो डीजे आपस में मिक्स हो रहा था, आवाज ही नहीं आ रही थी कि कितनी कौन सी कौन सा गाना कहाँ चल रहा है। तो बट ये डांस वाला वहाँ पे थोड़ा मूड हो गया था तो हल्का सा मैंने भी वहाँ पे कर ही लिया डांस, तो बहुत अंधेरा था तो बीच तो दिख ही नहीं रहा था। अभी मैं अपने रिजॉर्ट से बिल्कुल बाहर निकल रहा हूँ, सुबह के 6:30 बज रहे हैं और आपको मैं अपना रिजॉर्ट दिखाना चाहता हूँ कि ये रिजॉर्ट बेसिकली है कैसा दिखने में। तो अभी मैं बिल्कुल बाहर से आपको कवर करूंगा, ये बाहर से तो मैंने आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पे इन लोगों करा हुआ है, रात को लाइटिंग वाइटिंग होती है तो मस्त, बिल्कुल पार्किंग यहाँ पे बिल्कुल फ्रंट में ही है, सामने इसके दो गेट है। मैं अभी फ्रंट कैमरा ऑन कर लेता हूँ ताकि मैं आपको ना थोड़ा ठीक से दिखा पाऊँ, बिकॉज अभी क्या है मैं खुद को दिखाऊंगा तो जगह नहीं। फर्स्ट लुक है, अगर मैं बात करूँ अवतारा जो रिजॉर्ट है, और सबसे बड़ी बात जो है ये जो रिजॉर्ट है अभी बिल्कुल ही रिसेंटली खुला है, इस टाइप के रूम्स है, अंदर भी सारे यही रूम्स देखने को मिलेंगे, टोटल 60 रूम है यहाँ पे ऑक्यूपेंसी, जो कि डबल ऑक्यूपेंसी या सिंगल ऑक्यूपेंसी जैसे भी आप सकती नीड हो। बाहर सिटिंग एरिया बनाया हुआ है बैठने के लिए, अगर आप देख रहे हो ये तो, अगर ये जो आगे रिसेप्शन है इस तरफ, ये है रेस्टोरेंट यहाँ का, बफे एरिया उधर है अगर आप देख सकते हो ना उधर, वहाँ पे बफे एरिया है कॉर्नर में, यहाँ पे म्यूजिक का भी प्रिपरेशन है, अगर रात को लाइव म्यूजिक वगैरह यहाँ पे होते हैं सो इंस्ट्रूमेंट वगैरह पूरे बॉस के सिस्टम्स है, बॉस का बार है। सो ये जो रेस्टोरेंट एरिया है जो एंटर करते ही आता है और इसके बगल में जो स्टेयर्स है ना ऊपर जा रहे हैं, ये आपको ले जाते हैं हॉल की तरफ, अगर मान लीजिए कोई कॉन्फ्रेंस है, मीटिंग है, इवेंट है, अगर कोई आपको करना है। 2000 स्क्वायर फीट का हॉल है, हाइट जो है 10 फीट है और अंदर से मैं दिखा देता हूँ आपको कैसा है। तो एक स्टेज मैं चढ़ा और एक स्टेज चढ़ के ये कुछ इस तरह का यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस एरिया है, तो ये था बेसिकली जो मैंने आपको दिखाया था ना अभी, मैंने आपको बेसिकली कॉन्फ्रेंस दिखा दिया यहाँ पे और मैंने आपको दिखा दिया यहाँ का जो रेस्टोरेंट है। अभी मैं आपको यहाँ से थोड़ा रूम्स की तरफ जो रूम्स के व्यू आते हैं वो सब मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पे पाथ बनाया हुआ है, मैं अगेन फ्रंट कैमरा ऑन कर रहा हूँ ताकि आपको ठीक से विजिबिलिटी देख पाए। तो फ्रंट कैमरा से मैं दिखा रहा हूँ, वॉक कर रहा हूँ मैं अभी जो यहाँ पे कॉरिडोर है, यहाँ पे जिम एरिया है अभी और इस साइड है वॉशरूम्स। अच्छा, अभी वॉशरूम जो था इवेंट एरिया के लिए वो सेपरेट था, ऐसा नहीं है कि वो नीचे जाना पड़ेगा उसके लिए, रेस्टोरेंट एरिया के लिए अलग है, रूम्स में तो अलग है ही है। ये कुछ इस तरीके के पाथ्स है, आप देख रहे हो ये ऊपर एक बालकनी रूम होता है और एक नीचे जो है, अगर कोई ज़्यादा ऊपर स्टेज पे नहीं जाना चाहता तो वो नीचे वाला रूम ले सकता है, दोनों से ही व्यूज़ बहुत अमेजिंग है। अभी ये जो मैं पूल के पास जा रहा हूँ ना, उधर ओम बैठा हुआ है, वहाँ पे आपको दिख रहा होगा वो रहा हो उधर ओम, ये पूल के पास हूँ मैं अभी यहाँ पे, जो सेंटर एरिया आप कह सकते हो, सेंटर एग्जैक्टली सेंटर तो नहीं है और ये बार है यहाँ पे जो आउटडोर बार होता है, वो पीछे पिज़्ज़ा एरिया है, अभी कंस्ट्रक्ट हो ही गया ऑलरेडी बट अभी कवर्ड है। ये रूम्स क्या मस्त व्यू आता होगा इन रूम से, मेरा भी रूम जो है वो बिल्कुल वो वाला है उधर वाला, वो जो व्यू है बहुत ही अमेजिंग है वहाँ पे, आप बैठ सकते हैं अभी थोड़ी देर में, यहाँ पे टॉवल्स आ जाएंगे ताकि अगर किसी को यहाँ पर पूल में एंजॉय करना है तो कर सकते हैं। पूल की जो हाइट है ना वो यहाँ पे मेंशन्ड है पूल के बिल्कुल ही बाहर कि 4.5 फीट है, इन शॉर्ट घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे डुबकी लगा सकते हो, कोई खतरे वाली बात नहीं है। वो वाला जो एरिया है ना जहाँ पे पार्टीशन करा हुआ है वो उस तरफ जो है वो बच्चों का है, तो वहाँ पे डेप्थ और कम है तो बच्चे वहाँ पे भी इंजॉय कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो। अभी क्लीनिंग चल रही है यहाँ पे पूल को, जितना नीट एंड क्लीन आपको दिख रहा है ना ये ऐसे होता नहीं है, देखो कितनी मेहनत यहाँ पे लगती है। तो रूम में आपको अंदर से दिखाता हूँ एक बार कैसा है, और ये है कुछ इस तरीके का यहाँ पे लगेज के लिए बनाया हुआ है, और यहाँ पर है एक अलमारी जिसमें आप अपना सामान रख सकते हो। यहाँ पर मुझे स्लीपर्स मिल रहे हैं और टेबल
पेपर है एक और यहाँ पे हैंगर है ताकि कपड़े वगैरह अगर रख सकें। अरे वाह, ये कैशियो है यहाँ पे एज ए वेलकम सरप्राइज है ये। और ये यहाँ पे खाने के लिए है बेसिकली, एंड टी कॉफ़ी मेकर्स हैं यहाँ पे। ये देखते हैं ये क्या है। ये बेसिकली सेफ है, आजकल बहुत चल रहा है ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए होता है। अगर आपको कोई ऐसा कीमती सामान रखना है जो कि सेफ रहे। मिनी फ्रिज, ये मिनी फ्रिज आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर भी एक चॉकलेट है और यहाँ पर कुछ कैन है। ये टेबल है अगर आपको काम करना है लैपटॉप वगैरह रख के। पावर बिल्कुल साथ में ही है, वो बिल्कुल साथ में पावर दिया हुआ है। वाटर बोतल है, तो वाटर बोतल मैं आपको बता दूँ ये है कांच की, तो मतलब प्लास्टिक यूज़ नहीं है। ये लग रहा है प्लास्टिक का बट प्लास्टिक का नहीं है। ग्लासेस हैं यहाँ पे, एक टेलीफोन है ताकि कुछ सपोर्ट वगैरह अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। और ये है मेरा बेड जो कि बहुत ही क्लीन है। और ये देखिए आप इसका इंटीरियर अंदर से, ये आप देख रहे हो एक लाइट इधर है, दूसरी लाइट दूसरी साइड है। टीवी में आपको बता दूं ये एंड्रॉयड टीवी है, ये कोई नॉर्मल टीवी नहीं है। यहाँ पे नेटफ्लिक्स वगैरह, अमेजोन प्राइम वगैरह, ये जो आपके स्मार्ट चैनल्स हैं ये सब यहाँ पे अवेलेबल हैं। और यहाँ पे टिश्यू पेपर बॉक्स है, नीचे ही सामान रखने के लिए एक और जगह है। और यहाँ से मुझे दिख रहा है पूल। अभी रात का समय, मैं आपको दिन में भी एक बार दिखाऊंगा। और ये यहाँ पे है कुछ इस तरह का कारपेट लगाया हुआ है जो बेड के बिल्कुल नीचे है। और एक बहुत ही प्यारा यहाँ पे एक चेयर है। वॉशरूम यहीं से दिख रहा है, मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ कि वॉशरूम कैसा दिखता है। बेसिकली बहुत ही अमेजिंग वॉशरूम है। यहाँ पे एक क्लोज मिरर है, साथ में एक मिरर है वहाँ पे। और ये यहाँ पे कुछ सामान है, एसी कंट्रोल यहाँ पे है आपका। इंटीरियर बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, मैं कुछ इस एंगल से आपको दिखाता हूँ। ये जो एंट्री एंगल है यहाँ से आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए मिरर देख रहे हैं आप, थोड़ा डिफरेंट है। जो नॉर्मल अपने रेगुलर मिरर्स होते हैं ना उनसे थोड़ा सा ये डिफरेंट। तो अभी हम जा रहे हैं साइकिलिंग के लिए। होटल से हम थोड़ा सा आगे निकले हैं, एक पॉइंट है वहाँ से बेसिकली 100 से ऊपर साइकिल्स है एक साथ, और पूरा ग्रुप है हमारा। साइकिल्स हम यूज करेंगे और इलेक्ट्रिक साइकिल। संदीप सैनी, यस, ये सब है हम सारे। संदीप भाई अभी तो वीडियो बना रहे हैं यार, हम आपका बहुत बड़ा फैन है, बहुत बड़े फैन है सारे, बहुत बड़े फैन है। सब्सक्राइब कर दो प्लीज, सब्सक्राइब कर दो प्लीज भाई को, भाई ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहेगा यार। इतने सारे लोग बोल रहे हैं तो सुन लो आप, कर दो मेरे चैनल को सब्सक्राइब यार, पार्टी भी लेंगे यार, 2 साल से नहीं हो रहा। तो ये बेसिकली हमारा जो ग्रुप है, ये हम सारे निकल रहे हैं इलेक्ट्रिक बाइक पे, पहली बार यूज करूंगा मैं तो भाई। वाह, तो साइकिलिंग हमने स्टार्ट कर दी है और 400 मीटर का बोला है हमारे को, थोड़ा शहर आएगा और आगे जाके आएगा पूरा का पूरा। कहते हैं बिल्कुल साइकिलिंग के लिए ही है वो जगह, तो निकलते हैं आगे। तो बेसिकली ना ये साइकिलिंग म्यूजियम ऑफ गोवा के पास हमने जाके ये जो साइकिल वाला था अपना सर्किट खत्म करा, और अभी हम वापस जा रहे हैं। वापस में ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट जाते समय थोड़ा सा हाइट कहीं पे मिल रहा था, बट हमारी जो साइकिल्स हैं वो बैटरी ऑपरेटेड है और एक्सीलरेशन इसके अंदर कुछ ज़्यादा है। आप एक पैडल मारेंगे तो वो 2 में भागता है। तो स्टार्टिंग में तो मुझे पता नहीं लगा कि वो चालू है नहीं, मैं इतनी मेहनत कर रहा था, मुझे बोला यार ये ज़्यादा तो इम्पैक्ट है नहीं, बट देखा तो बाद में मैं ही वो ठीक से उसको ऑपरेट नहीं कर रहा था, मैंने हेल्प ली। और अभी मैं जा रहा हूँ वापस, काफ़ी अच्छा रहा। आप ये देखो मेरे आसपास का मैं अभी व्यू दिखा रहा हूँ, बहुत ही अमेजिंग व्यू है, बहुत ही ज़्यादा। रोड के अंदर एक भी गड्ढा नहीं है और पीछे आ रहे हैं लोग साइकिलिंग करते हुए।
वेदर कुछ ऐसा है कि चलते हैं तो हवा लगती है, ठंडा ठंडा रहता है, बट जैसे ही आप कहीं पे रुकते हो ना तो गर्मी लगने लग जाती है, धूप भी लगने लग जाती है, ऐसा कुछ सिचुएशन है यहाँ पे। अभी हम यहाँ से वापस जा रहे हैं अपने रिजॉर्ट आवतारा, और उसके बाद हम वहाँ पे जो पूल है वो यूज करने वाले हैं, बिकॉज हम सुबह तो नहाए नहीं थे, ब्रेकफास्ट हमने करा हुआ है, और हम सीधा डुबकी लगाएंगे पूल में। हाँ, तो काफी दुख के साथ एडवेंचरस जर्नी जो है इनका खत्म हो गया, साइकिलिंग करके आए हैं, अब पूल में डूबेंगे। पूल में डूबेंगे। तो नाना धोना खाना हो गया है और हम जा रहे हैं कहाँ पे, शॉपिंग करने के लिए। ये बंदा जा रहा है करने में स्कूटी से, और वो बंदा गाड़ी से। मैं भी स्कूटी से जा रहा हूँ, तीन चार स्कूटी हम ले रहे हैं और अब अभी हम निकलेंगे। ये सारा ग्रुप है हमारे लड़कों का जो हम जा रहे हैं अभी बीचेस एक्सप्लोर करने। तो स्कूटी का रेट जो है यहाँ पे अभी मैंने चेक करा है पूरे दिन के लिए जो है वो 400 रुपए है अगर आप लेना चाहते हो तो। पेट्रोल वेट्रोल आपका खुद का होगा, और अगर आप स्विफ्ट वगैरह जैसे गाड़ी लेना चाहते हो तो उसका जो रेट होता है वो होता है आपका टोटल 1000 रुपए। अभी हम पहुंच चुके हैं अंजुना बीच। अंजुना बीच का कुछ इस तरह का यहाँ का नजारा है, सेम सोर्स अरावा, डीजे वगैरह तो यहाँ पर भी है, सनसेट होता है इस साइड बेसिकली, तो ऑसम व्यू। कुछ वाटर एक्टिविटीज वगैरह हम प्लान कर रहे हैं, अभी बातचीत चल रही है। मोटर बोट्स भी हैं यहाँ पे, आप देख पा रहे हो ये यहाँ पे ये मोटर बोट्स हैं, ये भी आप एंजॉय कर सकते हो। इनका जो रेट है वो ज्यादा नहीं है, 500 रुपए है। कहाँ कहाँ जा रहे हैं बोट पे? कहाँ कहाँ जा रहे हैं बोट में? पता नहीं है, वो कह रहा है कि 500 किलोमीटर। एक टापू पे तो जा रहे हैं, इतना हमें पता है, हमने लाइफ जैकेट पहन ली है, साथ में निहारिका, मीना मैम और हमारे साथ है मिस्टर ओम, इधर आओ। टापू जा रहे हैं और देखते हैं क्या क्या घुमाता है वो। अभी हम अंजुना बीच जा रहे हैं, समंदर की गहराइयों में, समुद्र की गहराइयों में नहीं, ऊपर गहराइयों में नहीं, ऊपर ऊपर। दोस्तों हम हो गए रेडी अंदर जाने के लिए, बोट का ही वेट कर रहा हूँ मैं, बोट आ जाएगी तो हम बैठेंगे। एक बोट पे 8 लोग आते हैं और हम ज्यादा लोग थे वैसे, अभी हम कम लोग जा रहे हैं और वेट कर रहे हैं बोट का, देखते हैं। जो नॉर्मली रेट है ना यहाँ पे वो 2300 रुपए हमने दिया हुआ है, 2300 रुपए में हम जाएंगे यहाँ से 8 बंदे एक ही बोट के अंदर। ऐसा आना पड़ेगा सर, कैल्पा से। कैल्पा? कैल्पा। और ये रास्ता यहाँ पे आने का? वो पैदल आने के लिए जो कर रहे हैं ना वहाँ से आना, यहाँ पे ना गाड़ी आएगी ना बोट आएगी सर जी। पहाड़ के ऊपर है ना कौन सी चर्च है सर, यहाँ पे ऐसे साउथ की फिल्म वगैरह शूटिंग चलता रहता है, इसके नीचे पार्किंग है और वहाँ पार्क करके यहाँ पे चल के आना पड़ेगा जैसे वो लोग आ रहे हैं। मैं इस वक्त हूँ द बर्गर फैक्ट्री की पार्किंग में। लास्ट नाइट मैं गया था कसिनो जो कि बिग डैडी था, वहाँ का खाना आपको फीडबैक दे दूँ बहुत ही बकवास था। फूड पॉइजनिंग हुआ है यहाँ पे 2-3 लोगों को जो हमारे ग्रुप में से थे। हाँ, एक लड़की ने जो ग्रुप में थी उसको 10,000 का वहाँ पे वो हुआ, वहाँ पे टोकन्स वगैरह उसने जीते थे कैश। और अभी मैं खड़ा हूँ बर्गर फैक्ट्री के बाहर, कुछ बाहर से इस तरह का इसका मेन रोड है, काफ़ी कंजस्टेड है एरिया, और अंदर से कुछ एम्बियंस इसका इस तरीके का है। तो दोस्तों अभी मैं वापस आ गया अंजुना बीच पे, और जो बर्गर फैक्ट्री का जो बर्गर था ना बहुत हैवी था, बड़ा टेस्टी था। उसके जो शेक ऑप्शंस है ना, जो ड्रिंकिंग ऑप्शंस है, वो बहुत तोड़ है। अगर आपको ट्राई करना है तो एक बार जरूर ट्राई कर सकते हो, हैवी बहुत है, 2 लोग एक बर्गर को स्प्लिट कर सकते हो तो काफी सही रहेगा। अंजुना बीच का जो आसपास का नजारा है वो ये है,
इस तरीके का। और हमारे ग्रुप तो ऑब्वियसली यहाँ पर है ही है, हम हैं यहाँ पे 8 लोग, और जिसमें से कुछ लोग करेंगे यहाँ पे पैराग्लाइडिंग तो यहाँ पे नहीं होती, पैरा सेलिंग होती है, तो पैरा सेलिंग यहाँ पर होगी। और देखते हैं क्या चार्जेस है। अभी जो चार्जेस बताए वैसे तो नॉर्मली 900 होते हैं, बट क्योंकि हमने ग्रुप में बुकिंग ली है तो हमारे को जो पड़ा है इसका रेट वो 500 रुपये पड़ा है पर पर्सन। अभी ना मैं इसी बीच पे आगे जा रहा हूँ, और आगे जाके आप देख रहे हो ये ब्लैक ब्लैक, तो बेसिकली उधर तो रेत है, ये आगे जाके थोड़ा सा पत्थरों वाला आता है। मैं जूते पहन रखे हैं मैंने, और जूते रेतों में तो बहुत घुसते हैं, शॉर्ट्स तो मैं पहन के नहीं आया, तो मैं इसके उस पॉइंट पे जा रहा हूँ, और वो जो पॉइंट है वो पत्थरों का है पूरा का पूरा। तो ये है वो पॉइंट, अगर आपको ध्यान से देखने में यहाँ पे ऐसा लगेगा जैसे ये कीचड़ है या मड है, बट ये एक्चुअली मड नहीं है, ये बहुत हार्ड रॉक है। मैं देखो इसे प्रेस करके दिखाता हूँ आपको, ये देख रहे हो आप, ये बिल्कुल हार्ड है, जैसे लावा कोई हो और वो जम गया हो। तो शाम हो गई है, सूरज जल गया है, और मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलना, और कमेंट वगैरह पे मुझे अपना फीडबैक वगैरह आप देते रहिए, और इस वीडियो को मैं करता हूँ यहीं पे एंड। थैंक यू।